पैसे नहीं देते हैं। मैं जो क्या करूं, देखो तुम्हारे सामने चले जाते हैं, ले जाते हैं। आपने कहा था दूसरे रोज को राशन दे दियो, हम लोगों को राशन दे दो। हम तीन चार बार हो आए, मैं एक बार नहीं दियो राशन उन्होंने। ये भी ना कि चावल का तो आटे का कोई दुखी नहीं होगा। अच्छा, ये बताइए आप लोग जो राशन लेने के लिए वहाँ पे गए है ना, कोई एक बताइएगा कि जब गए तो क्या बात हुआ वहाँ पे, कैसे हुआ था? हमने ये बोला, मैंने भैया ये राशन बढ़ती है ऑफिस में, और हम ब्रह्म सिंह तो हुआ, मैंने उनने बोला कि हुन जाओ तुम लोगों को, गरीबन को राशन मिले। एक बार बोले कि पर्ची बनवा के लाओ, फिर हमने पर्ची डाली उसमें, उनका था उसमें ना बोतल में, पर्ची डाल के आए। फिर हम गए तो बोले आप कहाँ से आते हो, मैंने हम नहर पार ही रहते हैं खादर में, वो लगे तो बोले तुम लोगों को राशन नहीं है, तुम लोग हमें वोट नहीं देते हो। तो मैंने भैया मुसलमान भी सब वोट नहीं दे रहे तुम्हें, जो तुम सारे जसोला के मुसलमान को तुम राशन बांट रहे हो, और जो नहर किनारे उसके सड़क किनारे झुग्गी पड़ी है, सारे दिन लोग लगे ढोढ़ोगे एक एक कट्टा, तुम कभी आलू दे रहे, कभी दाल दे रहे, चावल आटा दे रहे। मैंने एक किलो हमें भी दे दो, तो हम पर वो अकड़ गया, बोले जाओ यहाँ से ना, लेटेस्ट पुलिस बुला लूंगा मैं। अच्छा, मतलब आप लोग वोट नहीं देते हैं तो आप लोग को नहीं देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। और आधार कार्ड लिंक करवाए थे आप लोग? हाँ, हमने सब कुछ कराया। वो आधार कार्ड के नंबर दे के गए थे ना, मोबाइल नंबर, और बोले कि वो हमने की सर हम बोतल में पर्ची डाल के गए, आप ही ना डरवाई। बोले बोतल में आगे लगा दी, वो पटला हो सुबह तुलम खाओ और हमें लड़ाई हो गई। बोले तुलम खाओ और हमें लड़ाई हो गई, जहाँ तुम्हारी पर्ची जाती है उनसे राशन मिलती है स्टोर पर। हमने की सर एक क्या रखा सामने, तो बोतल पूरी रखी है ऑफिस में, पूरी भरी रखी, अगर उनने हमारा राशन नहीं दी, बोले हमने जला दी, आगे लगा दी। और ऐसे ऐसे कितने लोगों के साथ हुआ? हम तो सारे लोग आए करके, हमारे सबके साथ हुआ। वोटर नहीं है यहाँ के, उन सब लोगों के साथ सबके साथ हुआ, सब जो झुग्गी वाले सब यूपी से आए हैं। ये आटा कुछ भी नहीं मिला है, और जाओ तो लिख रहे नहीं दे रहे हैं लोग, पुलिस मार मार के भगा रही है, और नहीं जा रहा है तो क्या करना।